जी अस्सलाम वालेकुम, ये नेल ड्रिल मशीन है। इसको आपको कंप्लीट हम चेक करवाते हैं चला के और सारी इन्फॉर्मेशन इसकी शेयर करते हैं। ये इसका मॉडल है DR288 और ये इसकी प्रिकॉशंस लिखी हुई है। ये बॉक्स है इसका, अभी मैं आपको इसको चेक करवाता हूँ ओपन करके। ये इसके साथ इसका यूज़र मैनुअल है और सारी इसमें चीज़ें लिखी हुई हैं कि इसकी स्पीड कितनी। इसकी जो टॉप रेटेड स्पीड है वो 4000 RPM है और बाकी हम मैं आपको कंप्लीट ये चला के भी चेक करवाता हूँ। ये डिवाइस है, ये इसमें जो स्पीड कंट्रोल है, ये वाला जो है वो फॉरवर्ड रिवर्स वाला बटन है और ये वाला जो है ये फुट के लिए बटन है। चलिए मैं आपको चेक करवाता हूँ सारी मशीन। ये इसके साथ फुट पैडल इन्होंने दिया हुआ, ये इसके साथ ड्रिल की बिल्टी सी है। ये इसके साथ स्टैंड है और ये इसके साथ ड्रिल वाला टूल है। सबसे ज़्यादा जो क्वालिटी वाली चीज़ है वो ये वाली चीज़ होती है कि वाइब्रेशन ना करे काम करते हुए, और ज़्यादा देर भी हम इसको चलाएं हीट अप ना हो, तो वो सबसे बेहतर मशीन होती है। अभी मैं आपको ये चला के चेक कराता हूँ। इसकी इंस्टॉलेशन कोई इतनी मुश्किल नहीं है, सिंपली आपने ये अटैच कर लेनी है। ये अभी ये इसका जो फुट पैडल है इसको भी हम साथ अटैच कर देते हैं और ये इसका स्टैंड है। ये अभी मैं ये आपको लगा के चेक करवाता हूँ। ये भी ये इसकी पावर है, ये अभी हम इसको चलाते हैं। ये मैनुअल है, ये इसकी स्पीड है, ये इसकी फुल स्पीड है। जैसे कि आप इसको देख सकते हैं वाइब्रेशन वगैरह तो इसमें नहीं है, लेकिन इसकी साउंड है, साउंड आपको आ रही है इसकी। और ये इसकी फुल स्पीड है, अभी ये हमने स्पीड कम की है। इसी तरह फिर इसका ये रिवर्स फॉरवर्ड है, ये इसकी डायरेक्शन चेंज होगी और ये भी हम फुट पैडल के साथ इसको करते हैं। ये भी फुट के साथ है, हमने इसकी फुल स्पीड की हुई है और जैसे ही हम इसको प्रेस करते हैं तो ये स्टार्ट हो जाती है, फिर ये रुक जाती है। ये इसकी बैक साइड पे इसके वोल्टेज वगैरह लिखे हुए हैं और पावर इनपुट जो वो 15 वाट है। और ये इसकी कंप्लीट मशीन है और ये इसके साथ कंप्लीट एक्सेसरीज है। ओवरऑल मशीन ओके, इसमें थोड़ी सी ये कि साउंड है, बाकी वाइब्रेशन वगैरह इतनी नहीं है और ठीक है मशीन। ये निकालने के लिए अगर हमने इसके साथ न्यू अटैचमेंट लगानी है, सिंपल इसको रख के रोटेट कर देंगे तो ये फिक्स हो जाएगी। फिर आपने अगर इसको जब उतारना है तो इसको इस तरह लेफ़्ट साइड पे रोटेट करके फिर आप इसको उतार सकते हैं। बाकी आपको कोई भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में कर